अमृतसर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की हार, पंजाब भाजपा के प्रधान श्वेत मलिक को भारी पड़ सकती है। भाजपा हाईकमान द्वारा हरदीप पुरी की हार के लिए श्वेत मलिक को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके विकल्प पर विचार शुरू कर दिया गया है। पंजाब भाजपा के नए प्रधान के रूप में मनोरंजन कालिया का नाम सामने आ रहा है। अमृतसर लोकसभा सीट से कांग्रेस के गुरजीत ओजला ने भाजपा के हरदीप पुरी को करीब 1 लाख मतों से मात दी है। हरदीप पुरी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शहरी विकास राज्य मंत्री थे। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हरदीप पुरी अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। हरदीप पुरी यूके और ब्राजील में भारत के राजदूत रह चुके हैं। टोक्यो और कोलंबो में भारतीय हाई कमीशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हरदीप पुरी यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। मोदी लहर में अमृतसर जैसी भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली सीट से हरदीप पुरी की हार को भाजपा हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। अमृतसर में भाजपा बुरी तरह से गुटबंदी का शिकार है। अमृतसर भाजपा में श्वेत मलिक, पूर्व मंत्री अनिल जोशी, तरुण चुग और रजिंदर मोहन छीना के गुट मुख्य रूप से सक्रिय हैं। रजिंदर मोहन छीना 2017 का लोकसभा उपचुनाव कांग्रेस के गुरजीत ओजला से 2 लाख मतों के अंतर से हारे थे। रजिंदर मोहन ने इस पर फिर अमृतसर से टिकट पर अपना दावा जताया था। पूर्व मंत्री अनिल जोशी 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस की आंधी में हार गए थे। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अनिल जोशी को टिकट देने पर भी विचार किया था। बाद में गुटबंदी को देखते हुए बाहर से लाकर हरदीप पुरी को मैदान में उतारना बेहतर समझा गया। चुनाव हारने के बाद हरदीप पुरी ने अगला चुनाव भी गुरु की नगरी अमृतसर से लड़ने का इरादा जताया है। हरदीप पुरी ने चुनाव में हार के बाद भी स्वर्ण मंदिर में जाकर वाहेगुरु का शुक्राना किया। हरदीप पुरी ने बताया कि जल्दी ही उनकी वेबसाइट पुरी गुरु की नगरी लॉन्च हो रही है। इस साइट के जरिए अमृतसर की बेहतरी के लिए उनको सुझाव दिए जा सकेंगे। हरदीप पुरी ने अमृतसर के विकास के लिए गुरजीत ओजला से सहयोग का इरादा भी प्रकट किया। हरदीप पुरी ने अपनी हार के लिए स्थानीय नेताओं की गुटबंदी को जिम्मेदार ठहराने के साथ श्वेत मलिक से भी नाराजगी जताई है। हाईकमान को अफसोस है कि बार बार पूछने पर भी अमृतसर सीट की सही स्थिति को श्वेत मलिक ने छिपा कर रखा। अमृतसर में भाजपा हाईकमान का दुख नवजोत सिद्धू के साथ भी जुड़ा है। नवजोत सिद्धू 2004 में पहली बार अमृतसर से भाजपा की टिकट पर चुनाव जीते थे। बाद में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अदालत का फैसला खिलाफ आने पर नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था। 2007 में हुए उपचुनाव में नवजोत सिद्धू फिर से भाजपा की झोली में अमृतसर की सीट डालने में कामयाब रहे थे। 2009 का आम चुनाव भी नवजोत सिद्धू ने भाजपा के लिए जीता था। 2014 में भाजपा ने नवजोत सिद्धू का टिकट काटकर अरुण जेटली को उम्मीदवार बनाया था। इसके विरोध में नवजोत सिद्धू ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। नवजोत सिद्धू से बिछोड़े के बाद अमृतसर से भाजपा को जीत नसीब नहीं हुई है। श्वेत मलिक अमृतसर नगर निगम के मेयर रहे हैं। 2012 में मेयर रहते हुए कोस्टलर का चुनाव हार गए थे, लेकिन अरुण जेटली की नजदीकी के चलते श्वेत मलिक को 2016 में राज्यसभा का सदस्य और 2018 में पंजाब भाजपा का प्रधान बनाया गया। श्वेत मलिक को प्रधान बनाने का मकसद शहरी मतदाताओं को फिर से भाजपा के साथ जोड़ना था। इससे पहले भाजपा विजय सांपला को पंजाब प्रधान बनाकर भी धोखा खा चुकी है। विजय सांपला को दलित नेता के रूप में पंजाब प्रधान की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विजय सांपला की नाकामी को उजागर कर दिया। 2.5 साल बाद भाजपा को एक बार फिर पंजाब विधानसभा के चुनाव का सामना करना है। ऐसे में भाजपा एक बार फिर से किसी प्रभावी नेता की तलाश में जुट गई है। अभी तक पता चला है कि पंजाब भाजपा के प्रधान के रूप में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मनोरंजन कालिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।